हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉमोज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ बच्चों की हाइट के बारे में बात करने वाले हैं। हमने अपने चैनल पे वेट और वेट को लेकर के काफ़ी वीडियो शेयर की हैं, जिसमें बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, बच्चे का वेट आप कैसे बढ़ा सकते हो, कौन से मंथ में कितना बच्चे का वेट होना चाहिए, वाइज कितना कितना उसकी जो वेट है वो कैसे कैसे इंक्रीज़ होना चाहिए, या बच्चा अगर कुछ नहीं खाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स पर हमने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, सारे दिक्कतों के बारे में आपको सॉल्यूशन शेयर किए हुए हैं। तो आपने अगर ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हम आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। बट अगर आप बच्चों की हाइट को लेकर के परेशान हो तो आज ये वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम बच्चों की कितने मंथ में कितनी हाइट होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चे की अगर हाइट नहीं बढ़ रही है तो आप एज पेरेंट्स क्या कर सकते हो बच्चे की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए, और क्या फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है बच्चे की हाइट। ये सारे इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके कि आपकी बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है एंड आप क्या कर सकते हो जिससे बच्चे की हाइट बढ़े। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बच्चों से रिलेटेड ऐसी वीडियोज हम आपके साथ शेयर करें तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारा वीडियो पहले देख सको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों की हाइट, सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि ये पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती है, जीन्स इसको हम कहते हैं। अगर पेरेंट्स की हाइट लंबी है, दोनों माता पिता अगर पेरेंट्स लंबे हैं तो बच्चे की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस 60-70% चांसेस होते हैं कि बच्चे की हाइट ज़्यादा होगी। बट अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट थोड़ी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने बच्चे की हाइट दूसरे बच्चों से कंपेयर मत करें। दूसरी चीज़ डिपेंड करती है बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है। बहुत से बच्चे ऐसे जिनको न्यूट्रिशन मिल रहा है बट जो बेसिकली हाइट इंक्रीज़ करने के लिए जो बच्चों को न्यूट्रिशन चाहिए, हो सकता है वो न्यूट्रिशन आप बच्चे को नहीं दे रहे हो जिसकी वजह से बच्चे की हाइट अच्छे से इंक्रीज़ नहीं कर रही है। इसके बाद भी अगर आप देख रहे हो कि बच्चों के पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा है एंड न्यूट्रिशन भी पूरा मिल रहा है, उसके बाद भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है दोस्तों बच्चा वो आपका, हो सकता है आप ये चेक करो कि वो बहुत ज़्यादा बीमार तो नहीं रहता, क्योंकि बच्चे की अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं, बार बार बीमार पड़ता है तो उससे भी उसकी बॉडी की ओवरऑल जो ग्रोथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चा कितना एक्टिव है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि बच्चे की हाइट कैसी होती है। तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो 1-2 घंटा फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाता है, बहुत सारे खेल कूद जो बच्चे करते हैं, उनकी हाइट बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कंपेयर टू जो बच्चे जो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, आउटडोर गेम्स वगैरह नहीं इतने खेलते हैं, बाहर के जो गेम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं खेलते हैं, तो उनकी हाइट कम होने के चांसेस होते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अपने बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ में लाओ, उसको वॉकिंग कराओ, उसको रनिंग करवाओ। ये जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बच्चा खेलेगा कूदेगा उतना ज़्यादा उससे भूख लगेगी, वो डाइट भी लेगा, उससे वेट भी गेन होगा, और एक्टिव रहने से उसको एक तरीके से स्ट्रेचिंग है जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं ये सब कराने से उसकी हाइट में आप देखोगे फ़र्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चों की कितनी हाइट होनी चाहिए मंथ वाइज, क्योंकि हमें पेरेंट्स को हमें लगता भी है बहुत बार कि बच्चों की हाइट ठीक है या नहीं, हमारे बच्चे की हाइट कम है, तो हमें अगर पता नहीं होगा कि किस मंथ में कितनी हाइट होनी चाहिए तो हो सकता है हमें ये चीज़ लग जाए कि हमारे बच्चे की हाइट कम है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है कि बर्थ के टाइम पर आपको पहले ये जानना है कि बच्चे की हाइट आपको कब चेक करनी है। तो आपको बच्चे की हाइट जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम बच्चे की हाइट चेक की जाती है, उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हो उस टाइम बच्चे की हाइट चेक की जाती है, 6 वीक्स पे, 10 वीक पे, 14 वीक्स पे, उसके बाद आपको रुकना है, फिर आप 6 मंथ पे बच्चे की हाइट चेक कर सकते हो, फिर 9 मंथ पे, फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तब 1 साल होने के बाद आपको हर 6 महीने पे बच्चे की हाइट चेक करनी है। आप हर 6 महीने पे जब बच्चे की हाइट चेक करोगे, जो हम आपको हाइट का मेजरमेंट बताएंगे कि इतना होना चाहिए, वो आप एक चार्ट होता है वो आप उस चार्ट से मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली आपके बच्चे की ग्रोथ कैसी जा रही है। बर्थ के टाइम पे बच्चे का जो हाइट होता है वो हम बच्चे को लिटा के चेक करते हैं, तो 2 साल से पहले तक बच्चों की हाइट लिटा के ही चेक की जाती है, 2 साल के बाद बच्चे को हम खड़ा करके उसके बाद चेक करते हैं। तो बच्चे का जो बर्थ के टाइम पे हाइट होनी चाहिए वो 50 सेंटीमीटर के अराउंड होनी चाहिए। 3 मंथ्स पे बच्चे की हाइट 60 सेंटीमीटर, 6 मंथ पे 65 सेंटीमीटर, 9 मंथ पे 70 सेंटीमीटर, और 12 मंथ पे, 1 साल पे, बच्चे की हाइट 75 सेंटीमीटर्स के अराउंड हो जाती है।
उसके बाद 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो 85 सेंटीमीटर, 3 साल का जब हो जाता है तो 95 सेंटीमीटर, और 4 साल का जब हो जाता है तो 100 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे कि जब बच्चा बर्थ के टाइम 50 सेंटीमीटर था और 4 साल पे उसका 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आपको इस तरीके से मेजर करना है कि अगर आपका बच्चा 4 साल का हो रहा है तो उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर के आसपास ही होगी। तो ये तरीका था जिससे आप अपने बच्चे का हाइट मेजर करके चेक कर सकते हो कि आपके बच्चे की हाइट इसके आसपास है तो ठीक है, अगर इससे काफ़ी कम है तो आपको आपको वरी करने की नीड है कि आपके बच्चे की हाइट क्यों नहीं बढ़ रही है। उसमें भी आप जीन्स पहले चेक कर लो, अपना न्यूट्रिशन बच्चे को क्या दे रहे हो उसको चेक कर लो, उसके बाद आप एक्शंस ले सकते हो जिससे आप अपने बच्चे की हाइट को इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सको। इसके बाद 4 साल के बाद बच्चे की हर साल 6 सेंटीमीटर पर साल, हर ईयर 6 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट इंक्रीज़ होती है। जब बच्चे प्यूबर्टी की एज पे आ जाते हैं तो प्यूबर्टी का जो टाइम होता है गर्ल्स में 9 to 11 ईयर्स और बॉयज़ में 8 to 12 ईयर्स, तो उस बीच में सडन बच्चों की हाइट में राइज देखने को मिलता है, अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर्स हर साल बच्चे की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप बच्चों की हाइट मेजर कर सकते हो, देख सकते हो कि बच्चे की हाइट कैसी कितनी है। अब बात करते हैं कि आप एज पेरेंट्स क्या कर सकते हो बच्चे की हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। तो आपको बच्चे को प्रोटीन रिच फूड देना है। प्रोटीन रिच फूड में आप बच्चे को दाल दे सकते हो, अगर वेजिटेरियन है तो आप उसको सोयाबीन वगैरह दे सकते हो, और अगर बच्चा नॉन वेजिटेरियन खाता है तो बच्चे को, आप नॉन वेज खाता है तो आप उसको फिश दे सकते हो, आप चिकन दो उसको, और एग अगर आप दे सकते हो तो एग सबसे बेस्ट प्रोटीन रिच फूड है। अब उसको ऑन डेली बेसिस बच्चे को आप एक एक दे सकते हो। एक बच्चों को कब कैसे देना चाहिए, किस मंथ में कितना देना चाहिए, उस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो शेयर की हुई है, वो देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों की डाइट में आप दूध ज़रूर दें, बच्चे को मिल्क दें, मिल्क से बने प्रोडक्ट्स ज़रूर दें, उससे बच्चों की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी गई है। दूध ज़रूर ऐड करें बच्चों की डाइट में। उसके बाद दोस्तों इसके अलावा आप बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज भी करा सकते हो, ऐसे स्ट्रेचिंग वगैरह करा सकते हो, उससे भी बच्चे की हाइट को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प मिलता है। तो दोस्तों ये थी कुछ स्टेप्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि बच्चे की हाइट कितनी है एंड उसकी कितने मंथ में कितनी हाइट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम कुछ ऐसे फूड्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे खानों की बात करेंगे जो आप बच्चों के अगर डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपके बच्चों की हाइट इंक्रीज होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि पेरेंट्स को ये भी लगता है कि हम प्रोटीन रिच फूड में बच्चों को एग्जैक्टली क्या क्या दे सकते हैं, या कैल्शियम रिच फूड में हम क्या दे सकते हैं, वेजिटेबल्स कौन सी थे जिससे बच्चों की हाइट इंक्रीज हो, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही वो वीडियो आपके लिए अपलोड करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।